आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो घटना जो आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी, उस घटना को याद करके आज भी मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है, और तो और मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। इस घटना से पहले मैंने भूत प्रेत के बारे में काफ़ी सुना था, मगर अपने आंखों से ना देखने के कारण मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये नहीं कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। खैर, आज से 10 साल पहले मैं एक ऑफिस में सेल्समैन का काम किया करता था, जिस कारण मुझे अपनी बाइक लेकर इधर उधर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी मेरे बॉस ने मुझसे आकर कहा, अतुल, तुम एक बार पीपलगढ़ गांव के मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करके आओ। बॉस के बोलते ही मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त शाम के 5 बजे का हो रहा था, जिस पर मैंने बॉस से कहा, बॉस, शाम के 5 बज चुके हैं, अभी जाना जरूरी है क्या? इस पर बॉस ने कहा, हाँ हाँ, तुम अभी जाओ, क्योंकि कल मुझे बड़े ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करना है। मैं बॉस की बात काट नहीं सकता था, हालांकि मुझे ये नौकरी पसंद नहीं थी, मगर दूसरी नौकरी ना मिलने तक मुझे ये काम करना ही होगा। जिसके बाद मैंने अपना बैग उठाया और बाइक लेकर पीपलगढ़ गांव की तरफ चलता बना। हमारे यहाँ से पीपलगढ़ गांव करीब 1.5 घंटे का सफ़र था, तो मुझे अभी काफ़ी देर तक बाइक चलाना पड़ेगा। शहर का भीड़भाड़ रास्ता होने के कारण मैं बाइक को काफ़ी धीमे चला रहा था। तकरीबन 1 घंटा बाइक चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव के रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता पूरी तरह खाली ज़रूर था, मगर उस रास्ते की दशा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रास्ते पर बड़े बड़े खड्डे होने के कारण मैं बाइक को उतनी भी तेज़ी से नहीं भगा पा रहा था। ऊपर से इतनी ठंड थी कि बाइक चलाते वक्त मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपे जा रहे थे। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे जैसा मालूम पड़ रहा था। कुछ देर और बाइक चलाने के बाद ठीक शाम के 7:15 बजे मैं पीपलगढ़ गांव के मार्केट में पहुंचा और अपने कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करने अपने काम पर लग गया। पीपलगढ़ गांव के मार्केट में काफ़ी सारी दुकानें थीं, तो सभी दुकानों में जा जाकर प्रोडक्ट दिखाते दिखाते 3 घंटे कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने जब अपने आसपास देखा तो मार्केट की काफ़ी सारी दुकानें बंद हो गई थीं, तो मैंने भी अपना बाइक स्टार्ट किया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रास्ता पूरी तरह से वीरान हो चुका था। गांव का रास्ता होने के कारण दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई भी नहीं दिख रहा था। रास्ते के दोनों ओर बस घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर छाया हुआ था कि रोशनी का एकमात्र जरिया जो मेरी बाइक की हेडलाइट थी, वो भी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी, और थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा था वो घने कोहरे के कारण धुंधला धुंधला। खैर, इतना वीरान रास्ता देखकर मैंने अपनी बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में हो ही ना। अंधेरे से घिरे उस रास्ते पर बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाज़ें एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। अभी मैं कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझसे कुछ ही दूरी पर एक बुजुर्ग आदमी चलता हुआ दिखा। इतनी ठंड में इतनी रात गए उस बुजुर्ग आदमी को पैदल चलता देख मुझे थोड़ी दया आई, तो मैं बाइक लेकर उस बुजुर्ग आदमी के करीब गया, तो मुझे अपने करीब आता देख वो बुजुर्ग आदमी एकदम से रुक गया।
तो मैंने बुजुर्ग आदमी से कहा, क्या बात है चाचा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं आप? जिस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो बेटा मैं अपने घर जा रहा हूँ। उस बुजुर्ग आदमी के करीब आते ही मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी ठंड से कांप रहा है। तो मैंने उस बुजुर्ग आदमी से उनके घर का पता पूछा, तो इस पर उन्होंने कहा, मेरा घर थोड़ा आगे ही है बेटा। जिस पर मैंने अपने मन ही मन में सोचा, मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, क्यों ना इन्हें भी लेता जाऊं। ये सोचते ही मैंने उन बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। मेरे इतना बोलते ही उन बुजुर्ग आदमी के ठंड के कारण कांपते चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई और वो बुजुर्ग आदमी चढ़कर मेरी बाइक पर बैठ गया। तो उसके बैठते ही मैंने बाइक भगाना शुरू कर दिया। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरा गला एकदम से सूखने लगा और मुझे काफ़ी तेज प्यास लगने लगी। मगर इतनी ठंड में अचानक मेरा गला कैसे सूख सकता है? और मुझे अच्छे से याद है कि मैं निकलने से पहले काफ़ी पानी पीकर भी आया था, तो मुझे इतनी जल्दी वापस से प्यास कैसे लग गई? और तो और मेरे पास पानी भी नहीं था कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। अभी मैं उसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे काफ़ी गर्मी भी लगनी शुरू हो गई। मगर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तभी पीछे बैठे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा बाइक रोको, मेरा घर आ गया। तो मैंने भी ब्रेक मारकर बाइक रोक दिया और जब अपने आसपास देखा तो मुझे रास्ते के किनारे एक छोटा सा घर दिखा। तो मैंने उन बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा यही आपका घर है? तो उन्होंने इस पर अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मैंने वापस से कहा, चाचा आप मुझे थोड़ा पीने का पानी पिलाएंगे, मुझे काफ़ी तेज प्यास लगी है। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हाँ आओ मेरे घर के अंदर आओ। जिसके बाद मैंने बाइक को वहीं स्टैंड पर लगाया और उन बुजुर्ग आदमी के साथ उनके घर की तरफ चलता बना। चलते चलते मैंने एक बात पर गौर किया कि उस इलाके में जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक मुझे दूर दूर तक उस घर के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ये बुजुर्ग आदमी इतने घने जंगल के बीच यहाँ अकेला रहता है? ये सोचते सोचते मैं उनके घर के अंदर दाखिल हुआ। तो मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे काफ़ी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी सड़ी हुई थी कि मुझे बर्दाश्त तलक नहीं हो रही थी। अभी मैं उस घर के अंदर खड़ा ही था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे एक गिलास पानी लाकर दिया। तो उस पानी को अपने मुंह के अंदर लेते ही उस पानी से इतनी सड़ी हुई गंध आई कि मैंने उस पानी को उगल दिया। फिर जब मैंने नीचे देखा तो मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ने लगा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल मैंने जब नीचे देखा तो वो पानी नहीं बल्कि खून था, यानी वो बुजुर्ग आदमी मुझे खून पीने को दे रहा था। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार उस बुजुर्ग आदमी की ओर घुमाई तो मेरे कांपते पैर और जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि अब उस बुजुर्ग आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उसका पूरा शरीर एक शैतान में बदल चुका था। ये देखकर मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर जैसे ही वहां से भागने ही वाला था तो उस भूत ने कहा, डरो मत, तुम अच्छे आदमी हो इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मगर मैं फिर भी नहीं रुका, मैं भागकर अपनी बाइक के पास आया और बाइक स्टार्ट करके वहां से चलता बना। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि आज से 2 साल पहले रात के वक्त उस रास्ते पर वो बुजुर्ग आदमी लिफ्ट मांग रहा था कि तभी एक बेकाबू ट्रक उसके ऊपर से चली गई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और शायद मैंने उसकी मदद की इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं किया। तो दोस्तों
ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। साहब, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आप यहीं उतर जाओ और मेरा भाड़ा दे दो। रिक्शा वाले की बात सुनकर मेरा दिल सा टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि अब इसे आगे जाने के लिए मनाऊं कैसे। यहां तक तो इसे बहला फुसला कर ले आया, पर अब आगे क्या? जिस पर मैंने रिक्शा वाले से कहा, पर क्या बात है, क्यों नहीं आगे जाओगे तुम, बताओ तो सही। तो इस पर रिक्शा वाला बोला, साहब आगे का रास्ता रात के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप शहर के लोग इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मैं जानता हूं कि वो रास्ता कितना खतरनाक है। आप उतर ही जल्दी, मुझे जाना है। हालांकि बात तो यहीं तक की हुई थी, और जब पैसों का लालच देने पर भी रिक्शा वाला नहीं मान रहा है तो शायद ये नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं रिक्शा से नीचे उतरा और रिक्शे वाले को उसका भाड़ा दे दिया। भाड़ा मिलते ही वो रिक्शा वाला वहां से उल्टे पैर ऐसे भागा जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। खैर, मैंने वहीं खड़े खड़े एक नजर चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक उस रास्ते पर मेरे अलावा मुझे दूसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक लंबा रास्ता और रास्ते के अगल बगल जंगल, सिवाय आगे बढ़ने के मेरे पास कोई दूसरा चारा तो था नहीं। तो मैंने वही किया। रात हर पल गहराती जा रही थी, ऊपर से मौसम के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। बादलों की गर्जन और बिजलियों की चमकाहट शरीर को अंदर ही अंदर झिंझोड़ कर रख दे रही थी। डर तो लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि उस रास्ते पर मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी जिसके नीचे मैं अपना सिर छुपा सकूं। इसलिए मैं अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। अभी मैं तेज तेज आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बादलों में एक जोरदार गर्जन के साथ बारिश आ गई। जिसका डर था वही हुआ। बरसात से बचने के लिए अभी मैं कोई उपाय ढूंढ ही रहा था कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक भट्टी जलती हुई दिखी। भट्टी के ऊपर कुछ रखा हुआ था, पर काफी दूर होने की वजह से वो चीज असल में है क्या साफ तौर पर पता नहीं चल रहा था। खैर, मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब तो था नहीं, मुझे सिर्फ बरसात से बचना था। लिहाजा मैं भागता हुआ उस भट्टी की तरफ जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वहां कोई शेड भी होगा। भागते भागते मैं जब उस भट्टी के पास पहुंचा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहां सिर्फ भट्टी नहीं बल्कि पूरी की पूरी चाय की टपरी थी। मैं हड़बड़ाते हुए उस दुकान में घुस गया। वो दुकान बिल्कुल खाली था, बस एक चाय वाले के अलावा जो कि चाय बना रहा था वहां और कोई भी नहीं था। मैं वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया। तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि वो चाय वाला उसने अपने पूरे बदन को एक चादर की मदद से ढक रखा है। पर उसने ऐसा क्यों किया है, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मौसम गर्मियों का चल रहा था। फिर मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब होगी, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, भैया यहां से झूमरगढ़ गांव कितनी दूर होगा, आप बता सकते हैं क्या? इस पर चाय वाले ने अपना काम करते हुए ही कहा, झूमरगढ़ गांव तो दूर है, इस रास्ते पर चलते जाइए। मैंने सोचा झूमरगढ़ गांव चाहे जितना भी दूर हो, जाना तो मुझे है ही, लिहाजा मैं वहीं बैठे बैठे बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बरसाती हवाएं बीच बीच में शरीर को कपकपा दे रही थी।
इस बारिश में अगर चाय हो जाए तो मजा ही आ जाए। यही सोचकर मैंने उस चाय वाले से कहा, भैया जरा चाय पिलाओ यार, बिस्कुट भी देना। मेरे इतना कहते ही वो चाय वाला भट्टी से केतली उठाकर एक प्याले में चाय ढालने लगा और साथ ही साथ कांच के डब्बों से बिस्कुट निकालकर मेरी तरफ आने लगा। चलते चलते वो चाय वाला मेरे पास आकर रुका और चाय के प्याले और बिस्कुट को मेरी ओर बढ़ाया। तो जब चाय लेते समय मैंने उसके हाथ की तरफ देखा तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, क्योंकि उस आदमी के हाथ पूरे सफ़ेद थे, बिल्कुल हड्डी की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में मांस ही नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता है, मुझे ज़रा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैंने उसके हाथों से चाय और बिस्कुट लिया और चाय पीने लगा। बारिश की रफ्तार अब थोड़ी कम हो गई थी, मुझे लगा यही अच्छा मौका है आगे जाने का। फिर अगर बारिश तेज हो गई तो नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद मैंने फटाफट चाय पिया और बिस्कुट खाकर चाय वाले को पैसे देकर वहां से आगे बढ़ गया। बारिश पूरी तरह से नहीं छूटी थी, बस सिर्फ उसकी रफ्तार कम हुई थी और किसी भी वक्त उसकी रफ्तार बढ़ सकती थी, जिस वजह से मैं उसी तरह से तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। जैसा कि उस चाय वाले ने बताया कि झूमरगढ़ गांव काफी दूर है, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने के लिए अभी काफी चलना पड़ेगा। यही सोचकर मैं चुपचाप तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। चलते चलते मैंने यूं ही एक दफा नजर घुमाकर हाथ घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। हालांकि उतनी रात भी नहीं हुई थी, पर क्योंकि इलाका गांव का था इसलिए पूरा सुनसान था। अभी मैं चलते चलते उस चाय दुकान से दूर आया ही था कि तभी अचानक बारिश ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली। मेरी परेशानी एक ही झटके में आसमान छू गई। बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं भागकर भी भींग ही जाऊंगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बड़ा सा नीम का पेड़ नजर आया। मैं दौड़कर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया, मगर फिर भी बारिश इतनी तेज थी कि मैं थोड़ा बहुत तो भींग ही रहा था। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी बारिश की तेज आवाज के साथ मेरे कानों में एक और आवाज आने लगी। वो आवाज घोड़े के टाप की थी। मैं तुरंत उस आवाज की ओर पलटा तो पाया कि एक तांगे वाला तांगा लिए मेरी ओर ही आ रहा है। उस तांगे वाले को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे मरे हुए शरीर में जान डाल दी हो। मैं हाथ दिखाकर उस तांगे वाले को तांगा रोकने का इशारा करने लगा, जिसके बाद तांगा ठीक मेरे पास आकर रुका। उस तांगे वाले ने भी अपना पूरा जिस्म एक चादर में ढक रखा था, ठीक उस चाय वाले की तरह, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर सारे लोग यहाँ पर ऐसे क्यों है, जबकि वो चादर वाला आदमी बारिश में भींग रहा था। इतने में ही उस तांगे वाले ने मुझसे कहा, कहीं जाना भी है या नहीं? उसकी आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा और मैं तुरंत उसके तांगे में चढ़कर बैठ गया, जिसके बाद शुरू हुआ वो सफर जिसे सोचकर भी आज तक मेरी रूहें कांपने लग जाती हैं। बारिश अपनी पूरी रफ्तार से बरसे जा रही थी। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी से ही आसपास का सब कुछ नजर आ रहा था, वरना पूरे रास्ते पर इतना घना अंधेरा फैला हुआ था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। और पता नहीं कैसे वो तांगे वाला तांगा चला रहा था, क्योंकि मुझे तो सामने का कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस तांगे वाले से पूछा, भाई साहब
आप इस बारिश में सवारी ढूंढने निकले थे या घर जा रहे थे? इस पर तांगे वाला बोला, सवारी ढूंढने निकला था और आप मिल गए। इस पर मैंने कहा, पर इस बारिश में आप भींग रहे ना? तो इस पर उस तांगे वाले ने कहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उस तांगे वाले के इतना कहते ही मैंने जब उसके चादर की तरफ गौर से देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि सच में उसके बदन पर लिपटा चादर जरा भी नहीं भींगा था। मेरी हैरानगी सातवें आसमान पर थी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर इस आदमी का चादर क्यों नहीं भींग रहा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी तांगे वाले ने कहा, आपको उस दुकान में चाय नहीं पीनी चाहिए थी, आपने गलती कर दी। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गया और बोला, पर तुमको कैसे पता चला कि मैंने उस दुकान में चाय पिया है? तो इस पर तांगे वाले ने कहा, आपने उस चाय वाले के हाथ देखे, बिल्कुल ऐसे थे ना? इतना कहकर वो तांगा वाला मेरी ओर पलटा और अपना हाथ दिखाने लगा, तो सच में उसका हाथ पूरा सफेद था। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था, पूरा हाथ हड्डियों का था। और ना सिर्फ हाथ बल्कि उस तांगे वाले का पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा था, मतलब ये कि वो एक कंकाल था। मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और वो तांगे वाला कंकाल जोर जोर से हंसे जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने चलती टांगे से छलांग लगा दिया। हालांकि हल्की फुल्की चोटें भी आई, मगर चोट सहलाने का अभी समय नहीं था, जिस वजह से मैंने वहां से दौड़ लगा दी और उस रास्ते से बाहर निकलकर ही रुका। पर वो था क्या, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर छलावों का राज है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।